इंदौर में 17 जुलाई को नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम आएंगे। परिणामों से पहले जहां राजनीतिक दल अपने गुणाभाग में जुटे हुए हैं, तो निर्वाचन अधिकारियों के साथ ही नगर निगम भी मतगणना से जुड़ी तैयारियों में जुटा हुआ है। नगर निगम की आयुक्त प्रतिभा पाल के मुताबिक मतगणना स्थल पर वाटरप्रूफ डोम तैयार किया गया है, जबकि सारी व्यवस्थाएं व्यक्तियों की संख्या के लिहाज से की जा रही है। निर्वाचन अधिकारियों की तरफ से जो प्रत्याशियों सहित टेबल एजेंट की संख्या सामने आ रही है, सभी तैयारियां उसी पैमाने के आधार पर की जा रही हैं। मतगणना को लेकर निगम ने तैयारी की है, जो कि अपनी मतगणना नेहरू स्टेडियम में होनी है और मतगणना के जो मुख्य जगह होंगी वो वहाँ अंदर बने हुए हॉल्स हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त भी चूंकि प्रत्याशियों की संख्या को देखते हुए जो मतगणना एजेंट्स हैं उनकी संख्या भी भली प्रकार से रहेगी, तो निर्वाचन कार्यालय से जो रिक्वायरमेंट आया है उसके हिसाब से हम लोग वाटरप्रूफ टेंट की व्यवस्था वहाँ कर रहे हैं, ताकि जितने भी पोलिंग एजेंट्स आएँ उनको कहीं बैठने में दिक्कत ना हो या मतगणना की जो प्रक्रिया है उसको दिखने में दिक्कत ना हो, तो उसके लिए निगम लगातार अपना काम कर रहा है। वहाँ टेंट लगना भी शुरू हो गया है, वहाँ तकरीबन 2 बड़े टेंट हम लोग लगा रहे हैं जो कि पूर्णतः वाटरप्रूफ रहेंगे और बारिश की दशा में भी लोग आसानी से वहाँ बैठ सकें। नगर निगम ने मतगणना से जुड़े कार्यों के लिए कई अधिकारियों को जवाबदारी सौंपी है।